झूठ कहा था क्या मैंने? बहुत अच्छी है मेरी माँ। ये लो आपके लिए तोहफा। भूल गई ना बॉन्डिता? माँ देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। देख माँ तेरे लिए कितने सारे फल लाई हूँ, खाएगी ना? चल मैं तुझे खिलाती हूँ। बेटा अभी पेट भरा हुआ है मेरा, अभी नहीं खाना है मुझे। तो ठीक है, आप चलने की तैयारी कीजिए, हम आपको लेने ही आए हैं। अनिरुद्ध आपसे साथ चलने को कहे तो आप सीधा इनकार कर दीजिएगा। माँ मैं तेरा सामान बांधती हूँ, तेरे सारे कपड़े सारे पौधे सारे फूल ले लूँ ना? पता है आपको मेरी माँ को मेरे बाद सबसे ज्यादा लगा फूलों से है। क्यों माँ? इधर भागती रहेगी क्या? दो पल अपनी माँ के पास नहीं बैठेगी? बंदिता बता तो जरा कैसा है तेरा ससुराल, कौन कौन है वहाँ? तू सबसे प्यार से रहती है ना बेटा, सम्मान करती है ना पति का? मुझे तेरा सम्मान रखना है और तू सम्मान की बात कर रही है? पति बाबू बता दोगे ना माँ को सब कुछ? क्यों तुझे नहीं बात करनी मुझसे? बहुत मन है, मन ना होता तो तुझे लेने आती। मेरे ससुराल वालों की इतनी बड़ी बाड़ी है, ढेर सारे कमरे हैं, हमेशा दिवाली जैसी रोशनी रहती है, रसोई खाने से भरी है, अलमारियाँ गहने कपड़े इन सब से भरी हुई है, सब कुछ है वहाँ। बहुत अच्छा पति बाबू ढूंढा है तूने माँ, बस तू नहीं है और तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे एक बार सूर की भूख लगी थी, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा था खाने को, बस खुद खाना लेने चली गई मैं, पर वहाँ खाना नहीं, पूरा आटा गिरा दिया मैंने। सब गुस्से से देखने लग गए मुझे और तब पति बाबू ने इतना सारा खाने को दिया मुझे। बहुत अच्छे हैं पति बाबू, और बड़ा सा मुलायम गत्ते वाला पलंग दिया है सोने के लिए। सिर्फ सोती ही रहती है और घर का सब काम जमाई बाबू करते हैं या तू भी कुछ कर लेती है? सेवा करना पति का काम है या पत्नी का? क्या बताया था मैंने तुझे? पत्नी का। सेवा के लिए घर पर नौकर चाकर हैं, बल्कि बंदिता तो मुझसे छोटी है, जिम्मेदारी है मेरी। वादा किया था साया बनकर ख्याल रखूंगा, बस वही निभा रहा हूँ। आप दोनों बात कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। माँ और एक शैतान भी है वहाँ, बट्टुक नाम है उसका, मेरे जितना है, पर बहुत सताता है मुझे। अब तू चलेगी तो कान मरोड़ कर सीधा कर देना उसे। ऐसा नहीं कहते बेटा, तू अगर उसके साथ अच्छे से रहेगी तो वो तुझे क्यों बेकार का परेशान करेगा? ससुराल में ये सब सह लेना चाहिए। आपने बहुत कुछ सिखाया है बंदिता को, गलत बात सहना सिखाएं अच्छा होगा क्या उसके लिए? देखा माँ तेरी तरह ये भी मेरा साथ देते हैं। गणेश जी की सोने की मूर्ति थी ना यहाँ, सही कहा वो, बिना मूर्ति के रोज कैसे पूजा करती है? जमाई बाबू मैं आपसे बात कर सकती हूँ? कहिए। वो जमाई बाबू मैं आपके साथ तुलसीपुर नहीं आ सकती। बंदिता के सामने ये बात नहीं कह सकते थे, वो बच्ची है, जिद करेगी, समझ नहीं है ना उसे। पर
मुझे लगता है कि बंदिता काफी समझदार है, जिद भी गलत नहीं है उसकी। अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहती है, इसमें गलत क्या है? बंदिता सिर्फ 8 साल की है, उसे जरूरत नहीं होगी अपने माँ की। इस उम्र में उससे दूर रहना सही होगा क्या उसके लिए? आपके पास ना जाने की कई वजह होंगी, पर मेरे पास आपको ले जाने की सिर्फ एक वजह है, बंदिता। और उसके लिए आपको हर हाल में मेरे साथ आना ही होगा। जाऊं मैं? किसी ने देख लिया तो? तो? मैं तो मर ही जाऊंगी, आपको शर्म नहीं आएगी? और अगर आएगी भी, उसे दूसरी दिशा में मोड़ दूंगा। और वैसे भी तुम्हारा हाथ खुद मेरे हाथों पर रखा नहीं गया था, तो क्यों छोड़े इसे? जाने दीजिए, मुझे डर लग रहा है। डर किससे? आपसे। मुझसे? ये जमाए बाबू संपूर्णा दीदी का हाथ क्यों मरोड़ रहे हैं? जब संपूर्णा दीदी को दर्द हो रहा है तो जमाई बाबू उनका हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? से तय किया था भौमिक बाबू, शराब के कारखाने के सारे कागजात तैयार हैं, मैंने साइन कर दिए, बस आप अपने साइन कर दीजिए तो दोस्ती की एक नई शुरुआत हो जाए। ऐसी दवा दे दो दीदा जिससे आराम मिल जाए। क्या हुआ भौमिक बाबू, आप साइन करते हुए रुक क्यों गए? मुझे नहीं लगता ये करार मेरे कारोबार के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका मुनाफा ज्यादा है, मुझसे कहीं ज्यादा। मामा मामी मार मैं यही सोचते थे कि जमाई बाबू बहुत अच्छे हैं, पर हम सब गलत निकले। पत्नी को मारने वाला पति अच्छा हो सकता है क्या? अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो चोट का निशान देख लेना, संपूर्णा दीदी के हाथ पर है, खून निकल आया था दीदी के हाथ से। पता है आपको, मामी ने भी हमेशा मुझे मारा है, संपूर्णा दीदी को कभी नहीं छुआ, पर जमाई बाबू ने क्यों चोट पहुंचाई दीदी को? बोलो ना पति बाबू। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं बात करता हूँ सौरभ से। पर उसने गलती की है तो दंड तो मिलेगा उसे, ठीक है? जमाई बाबू कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे ना दीदी को? कभी नहीं। ऐसा दंड दोगे ना? हाँ, अब तुम रोना बंद करो। विश्वास नहीं होता कि सौरभ अपनी पत्नी पे हाथ उठा सकता है, पर बंदिता झूठ कहेगी क्या? बात तो करनी होगी सौरभ से, पर सबके बीच में करूं कैसे? हाथ पेट भरे नहीं, जी भरे तब रुके जामाई बाबू। आपकी रसोई जैसी बराबरी तो नहीं कर पाए, पर हमसे जो बन पड़ा हमने किया।
बंदिता जमाई बाबू सूखा खाएंगे क्या? पानी डाल